नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का निधन। कास्त्रो का 90 साल की उम्र में निधन। कास्त्रो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहे हैं आलोचक। सीमा पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की नसीहत। पाक संसद में एमकेएम ने उठाई है मांग। उरी हमले के बाद भारत पाक के बीच लगातार जारी है गोलीबारी। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार, मगर एजेंडे में होना चाहिए कश्मीर। पाक ने कश्मीरियों की आजादी के आंदोलन को दिया समर्थन। पाकिस्तान की नई चाल, ग्वादर बंदरगाह में होंगे चीनी नौसेना के जहाज तैनात। भारत के लिए खड़ी हो सकती है परेशानी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बनने वाले सामरिक महत्व और व्यापारिक मार्गों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान अपनी नौसेना और नौसैन्य पोत करेगा तैनात। चीन के जिनजियांग प्रांत में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी भूगर्भ विज्ञान सेवा ने भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर जताई चिंता। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली की अपील की। कहा, विश्व संस्था स्थायी शांति और सुरक्षा हासिल करने के सभी प्रयासों का करती है समर्थन। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।